हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर का वेटेज काफ़ी बढ़ चुका है और एसएससी में भी वेटेज है ही है इसका। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर एज एन इंट्रोडक्शन। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा इसमें कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट, इनपुट तो होता ही है, स्टोरेज, स्टोरेज भी कंप्यूटर में होता है, प्रोसेसिंग भी होता ही है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ दिस। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें यह है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बिल्कुल ये तो करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, बिल्कुल पहुंच सकता है। जैसे कि हम लोग कोई भी अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा ये कि इसमें कोई भावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन 4 यह है कि यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। अप्रतिबंधित ढंग से नहीं, बल्कि प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, तो ये गलत ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ही क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें इसमें सेलेक्ट करना था कि कौन सा कथन गलत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला ये, कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, नहीं, उसमें हार्डवेयर भी होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। नहीं, बिल्कुल अब स्वयं से ही नहीं कर सकता है, उसे एक यूजर्स की जरूरत होती है। तीसरा ये है कि कंप्यूटर इज कंपोज ऑफ ओनली हार्डवेयर। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, नहीं, उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है। उसके बाद ऑप्शन 4 है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा। तो ये तो है, ये कंप्यूटर का ये कथन सत्य है, जो हमारा चौथा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड, इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तीसरा है आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, क्योंकि हमें इससे आउटपुट मिलता है। जैसे प्रिंटर से हम एक पेज प्रिंट कराते हैं, मॉनिटर से हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं अपनी, उसके बाद स्पीकर से हमें साउंड मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस हो गई। चौथा है मेमोरी यूनिट जैसे रैम। फिर उसके बाद हमारा पाँचवा है सेकेंडरी स्टोरेज। छठा है कम्युनिकेशन डिवाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी, चौथा ऑप्शन है पेपर। तो पेपर जो है ये कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, क्योंकि ALU तो होता ही है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फिर CPU भी होता है, मेमोरी भी होता ही है। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। CPU तो कंप्यूटर से संबंधित होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है ये एरिथ्रोसाइट्स जो है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर, फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इंटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो कैसे करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर स्टोर होता है वो इनपुट, फिर उसका प्रोसेस होता है, आउटपुट मिलता है, फिर हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो यही हमारा स्टेप्स है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा, सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। फिर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। तो हमें तो पता है कैलकुलेटर से तो हम कैलकुलेशन करते हैं,
कंप्यूटर से भी करते हैं, मोबाइल फोन से भी करते हैं, प्रिंटर से नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। इन कंप्यूटर यूजर आर ऑल्सो नोन एज, जो कंप्यूटर में जो यूजर्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो ह्यूमन वेयर के नाम से हम जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द डैश फॉर्म विच दे आर फेज्ड डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। प्रोग्राम के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। तो मेमोरी ही होता है जो स्टोर किए रहते हैं हम इंफॉर्मेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए मेमोरी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय द एएलयू। तो निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो एक्यूमुलेटर जो होता है, ये डिवाइस हम लोग एक्यूमुलेटर जो है वो यूज करते हैं। और ये देखिए ये आया है एनबीएस में, रिसेंटली में आया है, जूनियर सेक्रेटरीट के एग्जाम में, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये है कि अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल अगर वो रन कर सकता है नीड बेस्ड एप्लीकेशन, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। जैसे कि अगर आप कोई जो आपके लिए बेसिक नीड एप्लीकेशन हो अगर आप उसको चला सकते हैं तो आप कंप्यूटर लिटरेट कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 ये है हमारा कि मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है। तो ये तो सबको जानता है कि कंप्यूटर से की जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये UPSI के पेपर में आया है रिसेंटली में। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर जो है मॉडर्न कंप्यूटर के किनको कहा गया है, तो एलन ट्यूरिंग जो है ये फादर है मॉडर्न कंप्यूटर के, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो एलन ट्यूरिंग है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है, तो बौद्धिक स्तर जिसे IQ बोलते हैं, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, बहुउपयोगिता वर्सेटिलिटी, कर्मठता डिलीजेंस। तो हमें तो ये पता है कि वर्सेटिलिटी होती है कंप्यूटर में क्योंकि हम उस पर कई सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीजेंस भी होता है, कर्मठता भी होती है, लेकिन जो हमारा बौद्धिक स्तर जैसे कि IQ वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 और 2। तो ये हमारा ऑप्शन 1 और 2 जो है ये करेक्ट है। अब देख लीजिएगा जरा इसमें कंप्यूटर सिस्टम की मान्य वैलिड विशेषताएं निम्नलिखित क्या क्या है। देखिए स्पीड होती है कंप्यूटर की, एक्यूरेसी होती है, डिलीजेंस होती है, उसके बाद वर्सेटिलिटी होती है जिसे विविधता कहते हैं, कई सारे एक्शन को एक ही साथ परफॉर्म कर लेना, उसके बाद रिलायबिलिटी होती है, उसके बाद ऑटोमेशन होता है और स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए डैश शो हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड रियलाइजिंग द कंप्यूटर। एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो हमारा ऑप्शन है कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो शो करता है कि हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट आर लिंक टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड रियलाइजिंग द कंप्यूटर्स। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि ए डैश इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है।
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये हमारा बेसिक सी है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आर्किटेक्चर जो है हमारा डिजाइन से रिलेटेड होता है, और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू एवरीवन, फिर से हम मिलते हैं कल, अपने सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।